मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सत्यदेव कटारे ने अपने बयान के लिए माफी मांगी है। कटारे ने कल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते बोलते अचानक महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसकी चारों तरफ निंदा हो रही थी। कटारे अब भी अपने बयान को जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन बयान में महिलाओं के लिए की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगी गई है। बयान आपत्तिजनक नहीं था, बयान था भ्रष्टाचार के संदर्भ में। उसमें टिप्पणी जो कर दी थी वो महिलाओं के बारे में कर दी थी, वो गलत थी। बयान महिलाओं के बारे में नहीं था। उसके लिए मैंने जैसे ही पता लगा तुरंत माफी मांगी, और फिर आपके माध्यम से मैं उस बात के लिए माफी मांगता हूँ।